तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट विद लीनियर इनइक्वालिटीज। सर ये लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था बट सर ये लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन दैट। एट स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था आप लोगों ने, याद होगा आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल याद था सभी बच्चों को। आपके पूछा अगर x plus 1 is equal to 5 है, बोलेगा find the value of x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x is equal to 4। अगर आपके पास हो 2x plus 5 is equal to 6, तो आपके अगर होगे 2x equal to sir 6 minus 5 which is equal to 1, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। You are right, कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, half आ जाएगी। तो ये सब हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशंस था। बट हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में का बच्चे इनइक्वालिटी, सर ये इनइक्वालिटी क्या होता है, व्हाट इज दिस लीनियर इनइक्वालिटी? आप लोगों के कोई भी आप स्कूल में एग्जांपल देकर आते हो, घर आकर मम्मी पूछती है बेटा नंबर कितने आएंगे, तो आप क्या बोलते हो, मम्मी मेरे मैथ्स में ना 80 मार्क्स का एग्जाम था, मम्मी मेरे कम से कम ना 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कम से कम 70 तो आ जाएंगे, इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मैथ्स के अंदर जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो जाए। इज दिस क्लियर? आपने क्या बोला, मम्मी कम से कम 70 तो आ ही जाएंगे, ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 70 के इक्वल भी हो सकता है और 70 से ज्यादा भी हो सकती है। अक्षत ने बोला मम्मी जितना मर्जी कर लो मेरे मार्क्स 79 से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन मम्मी 72 से कम भी नहीं आएंगे, 72 से कम भी नहीं आएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अक्षत के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 72, लेकिन 79 से ज्यादा भी नहीं आएंगे क्योंकि मेरा एक नंबर गलत हो गया था, तो लेस देन इक्वल टू 79। समझ आ गया? अब इनइक्वालिटी क्या होता है बेटा, इज दिस क्लियर? तो यहां पे ये जो सिंबल है, ये मेरा सिंबल किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब अक्षत के मार्क्स ग्रेटर देन 72 हो सकते हैं, इक्वल टू भी हो सकते हैं। तो जब हम लोग ये सिंबल लगा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल बना किस किस से है, ये सिंबल दो पार्ट से बना, एक तो बना ग्रेटर देन से और एक बना है इक्वल टू से। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। और तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू, ये भी दो पार्ट से बना है लेस देन से, और दूसरा पार्ट इसका क्या है, इक्वल टू है। एक तरफ हो गया लेस देन और एक तरफ इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल। समझ आ गया? अब जिस तरफ मैं यूज कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ये यूज करा है, ग्रेटर देन के लिए हो गया, ये वाला लेस देन के लिए। सर आपने लिखे दोनों तरफ सेम है, लिखे दोनों तरफ सेम, समझाने के लिए लिखा है आपको कि यहाँ पे उल्टा समझो ऐसे लिख लो इसको, बट समझाने के लिए कि इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हो। ये तो सबको पता है कि जिसकी तरफ ऐसे मुंह खुला होगा उस तरफ ग्रेटर होता है, ये तो सभी को पता है ना कि जिसकी तरफ ऐसे माउथ ओपन होगा वो वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। वेरी गुड अक्षर, बाकी लोग नोट करके डन इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन मूव अहेड। Now, after this, if I say solve 2x plus 3
less than is equal to 5. 2x plus 3 less than is equal to 5. अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करें तो सर सॉल्व कैसे करें? हमने तो इक्वल टू के लिए पढ़ा था, इनइक्वालिटी के लिए नहीं पढ़ा, तो इसको आप इन द सेम मैनर यूज करोगे। सोच के चलो कि ये इक्वल टू है, 3 को राइट पे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x less than equal to 5 minus 3, 2x less than is equal to 2, 2 से डिवाइड करोगे तो x less than equal to 1, x की सहज वैल्यू क्या हो जाएगी? Less than equal to 1. Is this clear? Is this clear to all? Achal, x less than equal to 1. Second question, 3x minus 9 less than is equal to 15. अब इसको पहले सॉल्व करें, minus 9 को राइट साइड पे ले लेंगे, less than is equal to 15 plus 9, 3x less than is equal to 24, x less than is equal to 8, x less than is equal to 8. Four x minus 9 greater than is equal to 27. Minus 9 right side पे जा रहा बच्चे, तो 4x greater than equal to 27 plus 9, 4x greater than equal to 36, x greater than equal to 9. तो x की वैल्यू 9 या 9 से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अगर मान की कोई डाउट है उसकी तो पूछिए बेटा। Is this easy to solve? Is this easy to solve? Great. फटाफट करिए बच्चे, नोट करके डन। सबसे आसान चैप्टर, द इजिएस्ट चैप्टर इन दी बुक। सेट्स में स्टार्टिंग का पार्ट इजी था, बट जब तीन सेट्स आ जाते थे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, बट ये वाला चैप्टर में कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ प्लस माइनस करना है। अब क्योंकि हम 11th स्टैंडर्ड में, अब ये प्लस माइनस करने के लिए थोड़ी आएगा, थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। आपको बोला सॉल्व कर लिया, लेकिन अब फाइनल आंसर कैसे लिखना है ये भी समझिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है x less than equal to 1, मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से नीचे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 से नीचे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूं कि x डेसिमल में, फ्रैक्शन में नेगेटिव कुछ भी वैल्यू ले रहा है, मतलब कि x क्या है? रियल नंबर है। x क्या है? रियल नंबर है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? x ये सिंबल e का, ये बिलोंग्स का है, सेट्स में हमने पढ़ा था ये x बिलोंग्स टू कौन सी वैल्यू लेगा? लेस देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटी। 1 पे इक्वालिटी है तो यहां पे आ जाएगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, और नीचे तक कहां तक वैल्यू ले सकता है? माइनस इंफिनिटी तक। तो यहां पे आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, वो हमें वैल्यू पता नहीं होती, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा राउंड ब्रैकेट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? इन व्हाट इंटरवल की फॉर्म में हम लोग आंसर लेंगे। सेकंड, x less than is equal to 8, मतलब x कहां बिलोंग करेगा? माइनस इंफिनिटी से 8, x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 8। जहां पे इक्वालिटी है वहां पे ये वाला साइन आएगा, जहां पे इक्वालिटी नहीं होती वहां पे राउंड ब्रैकेट आएगा। x greater than equal to 9, मतलब कि x की वैल्यू 9 या 9 से ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? x belongs to 9, और 9 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक, तो वहां पे राउंड ब्रैकेट लग जाए। इज दिस क्लियर? सर एक जगह राउंड ब्रैकेट और एक जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आए? बेटा यहाँ पे इक्वालिटी 1 पे है, तो जिस पे इक्वालिटी होती है उस पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती वहां राउंड ब्रैकेट आया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर रहा हूं, ये नोट हो गया सबसे, सबने नोट कर लिया ये नीचे वाले पार्ट सबने नोट कर लिए। आई एम चेंजिंग द क्वेश्चंस नाउ।
ग्रेट, सबने नोट कर लिया। तो अब हर जगह ना मैं इक्वालिटी को रिमूव कर रहा हूं, हो जाएगा 2x plus 3 less than 5, 2x plus 3 less than 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x less than 1। अब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी है, मतलब 1 नहीं ले सकता, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा ब्रैकेट चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा x belongs to minus infinity to 1। I hope the use of bracket is clear now। यहाँ पे इक्वालिटी हट गई, x less than 8 तो माइनस इनफिनिटी से एक। लास्ट केस इक्वालिटी रिमूव कर दो तो एक्स की वैल्यू 9 टू इनफिनिटी। नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन, ये सारे केसेस दोबारा से नोट करिए और नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। सर व्हाई वी हैड यूज्ड इनफिनिटी, बिकॉज़ यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज को बेटा कंसीडर करते हैं वो कंसीडर हम लोग करते हैं कहाँ तक, रियल नंबर्स के अंदर, तो रियल नंबर्स माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इनफिनिटी का यूज करा है। इज दिस क्लियर नाउ? अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल आपको बोल रहा है, ax plus b less than 0, greater than 0, less than equal to 0, greater than equal to 0, plus फिर दो equations, तीन equations इस तरीके से आपका आ रहा है, but हम लोगों ने एक ही variable पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला question देखिए, आपके पास क्या बोल रहा है? Solve 30x less than 200, 30x less than 200, और ये question हमें कब solve करना है? दो parts given है, एक बार आपके पास x जो है, वो natural number है और एक बार आपको बोलना है इंटीजर, एक बार इंटीजर है और एक बार नेचुरल नंबर है। लेट्स सॉल्व दिस। तो आपको एग्जांपल नंबर वन, 30x लेस देन 200, दैट मींस x इज लेस देन 200 अपॉन 30, that means x is less than 0 to 0 cancel, 20 by 3 is 6.67, मतलब x की वैल्यू कहां से आ रही है? 6.67 से कम होगी। पहला पार्ट, x क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर है तो बेटा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, तो x की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 and 5, 6, ये हमारी x की वैल्यूज हो सकती है। इज दिस क्लियर? और जिसको हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, तो ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा हमारा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। वेरी गुड सरल एंड अकाल। बट सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है x is an integer, तो बेटा integer ना negative भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके positive भी हो, negative भी तो हो सकता है। yes बिल्कुल हो सकता है। तो हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 और लेफ्ट साइड पे वैल्यू जाती रहेगी। ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा करके लिख देते हैं, -2, -1 एंड डॉट 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 ऑन द लेफ्ट साइड, बिकॉज x कैन टेक एनी वैल्यू टुवर्ड्स द बॉटम साइड। समझ आ गया? ये क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आई एम एडिंग वन मोर केस। कौन सा केस? व्हेन x इज अ रियल नंबर, when x is a real number। बच्चे का डाउट है सर, जीरो के बाद माइनस इनफिनिटी नहीं लिखेंगे? नहीं, आपके पास इंटीजर है तो इंटीजर डॉट 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 जीरो माइनस वन माइनस टू, फिर डॉट डाल दी मैंने, तो मतलब इसका ये आगे की तरफ एक्सटेंड होता जाएगा। देयर एज जब मैं बात करूंगा कि x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, तो बेटा रियल नंबर में क्या क्या होता है? इंटीजर भी आ जाएगा,
आपका नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, उसमें आपके फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, रैशनल नंबर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x छोटा है 6.67 से, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेके 6.67 ये आ गया। समझ आ गया? तो जब रियल नंबर बोलते हैं ना तब ऐसे इंटरवल टाइप में लिखते हैं, बट नेचुरल नंबर इंटीजर ये तो लिमिटेड रहेंगे तो इनको इस टाइप में लिखेंगे सेट्स में। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर में? तीनों में रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फर्दर एग्जांपल नंबर टू, अब एग्जांपल नंबर टू आप फटाफट सॉल्व करिए, और यू टू आंसर फर्स्ट। सिर्फ वैल्यूज है, 8 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का तड़का लगा लिया। दिस इज 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1, वैल्यू कब निकालनी है, एक इंटीजर और रियल नंबर। सर यहां पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, अक्सर इक्वालिटी नहीं है इसलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। फोकस अक्षर आई नो, फोकस करो ना बेटा, इक्वालिटी नहीं है। अब सॉल्व दिस क्वेश्चन, 3x लेफ्ट पे आएगा, 3 राइट पे चला जाएगा, दिस इज 2x लेस देन 4, x लेस देन 2, x लेस देन 2, वेरी गुड, दिस इज द आंसर, x लेस देन 2। बट करना क्या है सर, कब कब वैल्यू निकालनी है इंटीजर और रियल नंबर के? जब भी इंटीजर की बात करेगा, x इज एन इंटीजर, सो आप क्या करना, माइनस टू माइनस वन जीरो वन, टू तो ये वैल्यू ले ही नहीं सकता। और जब मैं रियल नंबर की बात करूंगा, व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर, तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेके टू। अकालदीप, अक्षता, नव्या, मानवी, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर मैं बोलता नेचुरल नंबर, अगर मैं बोलू नेचुरल नंबर तो क्या आंसर आएगा? महक, युक्ति, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, वेरी गुड हरमन, और ये 98% वाले बच्चे नलायक होते हैं मुझे लग रहा है। कह रहे सर जीरो आएगा, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, वन आएगा सिर्फ, ठीक है। फिर हरमन ने दोबारा वन लिख दिया, पहले जीरो वन फिर कह रहे हैं वन। फर्दर लेकिन ये वाला क्वेश्चन हो सकता है दूसरे क्वेश्चन से, अगर सहज कहता सर मैं इस मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा बाय दिस मेथड जो आपने बताया दूसरा मेथड, तो सरल ने, सरल और सहज इन दोनों ने दिमाग लगाया अपना, इन्होंने कहा सर मैं 3x को लेफ्ट पे नहीं लेकर आ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ 5x को राइट साइड पे ले जाता हूँ और 1 को लेफ्ट पे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 लेस देन 3x माइनस 5x माइनस 4 लेस देन माइनस 2x माइनस 4 लेस देन माइनस 2x। फिर ये माइनस 2 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो सर माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो जाएगा 2 ग्रेटर देन x। समझ आ गया, इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या आ गया यहाँ पे, x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे आता है x लेस देन 2। सर ये तो आंसर ही उल्टा हो गया, मेरा आंसर मैच नहीं करा, यहाँ पे आ रहा है x लेस देन 2, यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर देन 2, तो क्या हुआ ऐसा? जब भी हम लोग ट्रांसपोज करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, पॉजिटिव नंबर अगर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वाला नंबर जब जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ आ गई ये बात सबको? जब भी माइनस वाला नंबर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल?
समझ आ गया सभी को? किसी बच्चे का कोई डाउट? ग्रेट। बट सर मैं कैसे मान लू, रटना थोड़ी है कि आपने बोला माइनस वाला जाएगा, रट लो कि साइन चेंज, समझो क्यों हुआ। बच्चे 4 लेस देन 5 होता है, 4 इज लेस देन 5, पूरी इक्वेशन में माइनस डाल दूंगा। अब बताओ माइनस डालने से क्या हुआ, उल्टे हो गया, जो छोटा नंबर था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसीलिए जब भी माइनस कैंसिल कर लो या समझ लो कि माइनस यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उन केसेस में आपका जो साइंस है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से रटने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही समझ लिया ये। जो लोग तुम लोगों के साथ किए कहते तुम्हारे सीनियर मैथ्स मुश्किल है, रेगुलर पढ़ लोगे ना तो कुछ मुश्किल नहीं है, और कॉन्सेप्ट समझे समझने से, नहीं तो जिंदगी भी मुश्किल है। नेक्स्ट, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 विल यू बी एबल टू सॉल्व इट एवरीवन? हर्षप्रीत, यस परफेक्ट है। तो ये होमवर्क में है, हरमन होमवर्क लिख लीजिए बेटा, एग्जांपल नंबर 3 बाय द एंड ऑफ द क्लास मुझे फॉरवर्ड कर देना क्या क्या होमवर्क है। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 4, प्लीज नोट डाउन, स्टार्ट करिए इसको। स्टार्ट द क्वेश्चन, फाइंड द आंसर, दिस इज 5 माइनस 2x अपॉन 3, एग्जांपल नंबर 4, 5 minus 2x upon 3 less than equal to x by 6 minus 5. कैसे करें? Normal, simple mathematics. LCM ले लो right side पे. 5 minus 2x upon 3 less than equal to x minus 30 upon में 6 cross multiply. 6 times of 5 minus 2x less than equal to 3x minus 30. 30 minus 12x less than equal to 3x minus 90. Minus 12x को right पे ले जाओ, minus 90 को left पे. This is 3x plus 12x. आपने हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि x ना हमेशा पॉजिटिव ही बने, मतलब 3x को भी लेफ्ट पे ला सकते थे, बट उस केस में जैसे यहाँ पे आंसर साइन चेंज कर रहा है तो चांसेस तो बना रहते हैं। अच्छा तो x को पॉजिटिव करने की कोशिश करो हमेशा। ये हो जाएगा 120 लेस देन इज इक्वल टू 15x, 15 से डिवाइड करो, 120 अपॉन 15 इज 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8. I hope this is clear to each and everyone. ठीक है बच्चे, x is greater than equal to 8. अब अगर ये real number मांगेगा तो कैसे लिखोगे? x belongs to minus infinity से 8 और 8 पे round वाला, sorry square वाला bracket आ जाएगा। नोट करके डन, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। सर पहले स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा बेटा जी, यहाँ स्क्वायर, यहाँ तो आपका राउंड रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर जहाँ पे इक्वालिटी होती है, ठीक है। और जिन लोगों ने आंख बंद करके कॉपी करा है उनका आंसर ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब एक्स की वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा है। तो ऐसे लिखेंगे 8 टू इंफिनिटी, this is 8 to infinity, इस तरीके से लिखेंगे। So to all the students who are sleeping in the class, good morning, ठीक है?
इज दिस क्लियर? सुमित थापड़, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, 7x plus 3 less than to 5x plus 9, you can solve yourself, you can solve yourself, but यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट का चेंज हो गया। अब कह रहा है शो द ग्राफ ऑन द नंबर लाइन। अब यार नंबर लाइन पे कैसे शो करूं, नंबर लाइन पे शो कैसे करें? तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए किस तरीके से करना होता है देखिए, वो आप खुद ही करोगे। मैं एग्जांपल नंबर 4 करा रहा हूं, 5 होमवर्क में। इसके लिए नंबर लाइन भी बनाते हैं। क्या बोल रहा है? x greater than equal to 8, x greater than equal to 8 मतलब x की वैल्यू 8, 8 में एक क्वालिटी है और उससे बड़ी हो सकती है। नंबर लाइन बनाइए, दिस इज 0 1 2 3 4 5 ये रहा 8 9 10 11 और आगे की तरफ चलती जा रही है। तो आप इसको कैसे करोगे? 8 पे इक्वालिटी है तो 8 पे सर्कल बनाओ, इक्वालिटी है तो इस पूरे को शेड कर दो और आगे की तरफ ऐसे शेड कर दो। इज दिस क्लियर? ये मैंने आपको सेट्स में पहले ही बता दिया था। अगर मेरे पास वैल्यू होगी x ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, x greater than 3 less than 5, तब number 9 पे कैसे shading करेंगे? ये रहा 3, 5, तो 3 पे circle, 5 पे circle और shade इनको नहीं करना, सिर्फ इसके बीच वाले part को shade करना। जब equality होगी तभी ये circle को shade करेंगे, वरना उस सर्कल को शेड नहीं करेंगे। समझ आ गया सबको? अगर ये होता है x greater than equal to 3 but less than 5, in that case थ्री फाइव बट 3 पे इक्वालिटी है, 3 पे इक्वालिटी है तो 3 को शेड कर दो और इसके बाद की नंबर लगे। नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अब एग्जांपल नंबर 5 आप खुद ही कर लेंगे बेटा, ग्राफ बनाना है नंबर लाइन वाला। अब एग्जांपल नंबर 6 ये भी कर लोगे, सिर्फ एलसीएम लेके राइट लेफ्ट करना है हमें। तो एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 आर होमवर्क। एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 टिल क्वेश्चन नंबर 20, टिल क्वेश्चन नंबर 20 दिस ऑल इज इन होमवर्क, सारा का सारा होमवर्क है। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 को, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस 1 अपॉन 3, दिस इज 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन में 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए अब सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। राइट साइड पे एलसीएम लीजिए, 4 और 5 पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा 20, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे सबके साइन गलत होते हैं, ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है सहज, अभी फोकस करो बेटा जो पढ़ा रहा हूं मैं। 15 + 4 19x - 10 - 8 इज -18/20। 2x - 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 20 × 2 इज 40x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 19 इज इक्वल टू 15x। 3 × 18 दिस इज इक्वल टू 54। कीपिंग एक्स पॉजिटिव फॉर सेफर साइड 40 को राइट पे जाना 54 को लेफ्ट पे। सो 54 - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 40x। 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x। 17 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x लेस देन इज इक्वल टू 2। समझ आ गया सबको। अब ये रियल नंबर बोले, ये नंबर लाइन बोले, नेचुरल नंबर मांगे, कुछ भी मांगे, आपको आता है आगे से सॉल्व कैसे करना है। लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग। ये आपका क्या है, x लेस देन इज इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2 पहले नंबर लाइन के लिए। नंबर नाइन में अगर इसको सॉल्व करूंगा तो टू वन जीरो -1 - 2 एंड सो ऑन। टू पे इक्वालिटी नहीं है इक्वालिटी है जी, तो इसको भी शेड कर देंगे। ये सारा इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपका रियल नंबर में लिखेंगे तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से 2 में। अगर नेचुरल नंबर आएगा तो 2 या 2 से छोटा, ये हमारा क्या आ जाएगा 1,2। होल नंबर अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0,1,2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इंटीजर बोलेगा तो, इंटीजर बोलेगा तो उस केस में आप क्या करोगे, नेगेटिव वैल्यूज को भी ले लोगे। तो ये लास्ट वाला केस हमारा इंटीजर्स के लिए हो जाएगा। महक क्लियर है बेटा, आई होप दिस इज वेरी वेल क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। ठीक है ना, तो आज हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इनके बेसिस पे जितने भी जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो करेंगे, और फिर थर्ड लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम लोग सारे के सारे बेटे जो ग्राफ है वो हम लोग बनाएंगे बेटा।